तुला राशि वालों, दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं भगवान कुबेर महाराज जी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे और माता रानी के आशीर्वाद से आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। तुला राशि वालों, दोस्तों तैयार रहना, धन के मालिक भगवान कुबेर महाराज जी खजाने लेकर पड़ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जल्द आपके घर आने वाले हैं। दोस्तों खुशखबरी सुनकर पूरा परिवार खुशी से झूम उठेगा। जी हाँ तुला राशि वालों, ये मौका आप अपने हाथों से जाने मत दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों एक बार गया तो वापस लौट कर नहीं आएगा। अब आप सभी के जीवन काल में कुछ ऐसा चमत्कार होगा, कुछ ऐसी खुशखबरियां लेकर आने वाली है जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ तुला राशि वालों, हम आप सभी को बता दें, धन के जो बड़े देवता हैं, जो बड़े मालिक हैं, भगवान कुबेर महाराज जी के द्वारा हमें कुछ ऐसा शुभ संकेत मिल चुका है जो कि दोस्तों आने वाले समय में कुछ इस प्रकार से आपका भाग्य उदय होने वाला है, जो कि आपके साथ साथ पूरे परिवार में भी खुशी की लहर दौड़ेगी और पूरा परिवार खुशी का जश्न मनाएगा। जी हाँ तुला राशि वालों, हम आप सभी को बताना चाहेंगे, अब आपकी कुंडली में धन के मालिक, धन के जो देवता है भगवान कुबेर महाराज जी विराजमान हो चुके हैं। दोस्तों एक बात, एक खुशखबरी के बाद दूसरा खुशखबरी आपको सुनने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बताना चाहेंगे, अब आप सभी के जीवन काल में जो है खुशखबरी दस्तक देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, भगवान कुबेर महाराज जी के आशीर्वाद अब आप सभी के जीवन काल में प्राप्त होगा, क्योंकि दोस्तों ग्रह नक्षत्र कुछ ऐसे संकेत दे रहे हैं, कुछ ऐसे इशारे कर रहे हैं जो कि तुला राशि वालों आपके जीवन काल के लिए काफी शुभ रहने वाला है। देखिए तुला राशि वालों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि भगवान जाते तो सबके घर हैं, लेकिन बहुत ही ऐसे कम घर है जिन घरों में भगवान कुछ समय के लिए स्थिर रहते हैं। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर आप सभी को बता दें, आप वहीं जाना पसंद करेंगे, आप वहीं रहना पसंद करेंगे जहां आपको अच्छा लगता है और जहां आपको एक दूसरे समझते हैं। बारिश में पानी तो सब जगह होती है, लेकिन पानी अक्सर वहीं जाकर ठहरता है जहां खाली जगह होता है। ठीक उसी प्रकार भगवान भी वहीं जाते हैं और वहीं रहते हैं जिन घरों में उनका स्वागत होता है और जो घर खाली होता है। तुला राशि वालों, भगवान कुबेर महाराज जी इस बार आपके घर आने वाले हैं। आपको स्वागत में किसी भी प्रकार की कोई गलतियां नहीं करनी है, इस बात का जरा ध्यान रखिएगा। तुला राशि वालों, आपको किसी भी प्रकार की कोई शुभ संकेत मिले तो आप उसे भूलिएगा नहीं, नजरअंदाज मत करिएगा। तो चलिए तुला राशि वालों, विस्तार से जानेंगे भगवान कुबेर महाराज जी के आशीर्वाद से अब आप सभी के जीवन काल में कौन कौन से खुशखबरी दस्तक देने वाली है, कौन कौन से शुभ समाचार लेकर आने वाले हैं, कौन कौन से चमत्कार करने वाले हैं, कौन कौन से लाभ होंगे आपके धन कोष में, आपके लेन देन में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके निजी जीवन में, आपके लव लाइफ में, आपके स्वास्थ्य में, ए टू जेड जानकारियां देंगी वीडियो में। तो वीडियो को आप बिल्कुल अंत तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले भगवान कुबेर महाराज जी के जो भी सच्चे भक्त हैं और उनका आशीर्वाद अगर आप अपने जीवन काल में हमेशा बनाए रखना चाहते हैं तो आप सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय कुबेर महाराज जरूर लिखिएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। तुला राशि वालों, आज आपको बिजनेस में कोई भी लेन देन संबंधित मामला बहुत ही सावधानी से निपटना होगा, लेकिन आपकी अधिक उत्साह कभी किसी काम को बिगाड़ सकता है, इस बात का जरा ध्यान रखिएगा, इसलिए सावधान रहने की अभी आपको आवश्यकता है। विद्यार्थी परीक्षा में अपने मेहनत के अनुरूप परिणाम पाकर काफी ज्यादा प्रसन्न रहेंगे। आपको जिम्मेदारी व्यक्तियों की तरह अपनी भूमिका निभानी होगी, तभी आप कामों को पूरा कर पाएंगे। वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आप किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी जो आपके लिए उपहार भी लेकर आ सकता है। वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आज का दिन बिजनेस कर रहे लोगों के लिए समय काफी ज्यादा उत्तम रहेगा।
उन्हें नए प्रोजेक्ट की भी जो है प्राप्ति हो सकती है और अपनी कुछ पुरानी योजनाओं को जो है आगे बढ़ाएंगे और अच्छा खासा लाभ कमाएंगे। वहीं दोस्तों, परिवार के लोगों का सहयोग मिलने से आज आप किसी भी नई संपत्ति की प्राप्ति या खरीदारी बिल्कुल कर सकती हैं जिसमें आपको लाभ होगा। वहीं दोस्तों, विद्यार्थी ने यदि पहले किसी परीक्षा को दिया हुआ था तो उसके परिणाम आने से काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होंगे और उनके मन मुताबिक परिणाम आएंगे। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे दोस्तों, आपको किसी रुके हुए काम को पूरा करना होगा, तभी वह समय से पहले पूरा हो पाएगा और उसमें तभी आपको लाभ होगा। आपके अधिकारी आपके कामों से काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे और आपके प्रमोशन की बात भी चल सकती है। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि आज आपको अपने आलस्य का त्याग करना होगा और आपको आगे बढ़ना होगा, तभी आप जीवन में कुछ कर पाएंगे और तभी आप बड़े मुकाम को भी हासिल कर पाएंगे। समय से सोना, समय से उठना और समय से सब कार्य करना आपको गारंटी के साथ सफलता देगा। आपके भाई बहनों में यदि संबंधों में कोई दरार चल रही थी तो वह भी आज दूर होगी और कारोबार कर रहे लोग आज किसी यात्रा पर जा सकते हैं जो कि यात्रा लाभदायक एवं काफ़ी जो है शुभ रहेगा। वहीं दोस्तों, इस दौरान हम आपको बताना चाहेंगे, आपको अपने किसी मित्र से कोई शुभ समाचार भी सुनने को मिल सकती है जिससे आप परिजन के साथ सामंजस्य बनाए रखने में काफ़ी ज़्यादा कामयाब होंगे। वहीं दोस्तों, आपके व्यापार की कोई डील अटक सकती है जिसके लिए आपको पूरी मेहनत करनी होगी, नहीं तो वह हाथ से निकल भी सकता है। अगर समस्या है तो आपको जान सी लगा देनी है, नहीं तो दोस्तों आपकी लापरवाही और आपकी जो है आलसी एक दिन वह जो आपके लिए परेशानी भी बन सकता है। वहीं दोस्तों, दिन आपके लिए ऊर्जावान रहेंगे। घर परिवार में आपको जो है विनम्रता से कार्य लेना होगा, नहीं तो लोगों को आपकी बात बुरी लग सकती है। ऐसी वाणी का प्रयोग आप भूल से भी कदापि ना करें जिससे कि बाद में आपको शर्मिंदगी महसूस हो, इस बात का जरा ध्यान रखिएगा। वहीं दोस्तों, बिना मांगे किसी को भी अभी आप सलाह देने से बचिएगा, नहीं तो आपके लिए कोई दूसरा जो है गलत इनका सोच सकता है और गलत फायदा उठा सकता है। और अपनी आय व्यय में संतुलन बनाए रखें तो अभी आपके लिए बेहतर रहेगा। वहीं दोस्तों, आप भौतिक सुख सुविधाओं में भी कुछ रुके रहेंगे, लेकिन आपको जो है माता पिता से पूछकर ही किसी काम को करने से अभी बचना होगा। बिना सोचे समझे और बिना एक दूसरे से राय लिए बिना कोई भी काम अभी आप ना ही करें तो अभी आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम कर रहे लोगों को अपनी दिनचर्या में योग व्यायाम को भी अपनाना होगा, नहीं तो उन्हें पेट से संबंधित समस्या हो सकती है। ग्रह गोचर संकेत कर रहे हैं, जरा सावधान रहिएगा और इस समय गाड़ी वाहन का प्रयोग अगर आप सावधानी पूर्वक ही करें तो अभी आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, इन जानकारियों से अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और सच्चे तन मन से वीडियो को लाइक करके नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय कुबेर महाराज, जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, भगवान कुबेर महाराज जी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर सदैव बना रहेगा।